Assalamualaikum and welcome to another video. आज जुमे का दिन है और आज से 3 दिन बाद ईद है, आई थिंक मंडे को, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी होती है. बकरा ईद है तो उसके लिए बकरे या गट्टा वेड़ा या कुछ भी इस तरह का लेना होता है, तो अभी उसके लिए जा रहे हैं हम मंडी. उसका मूड था 85 में देने का. हाँ अच्छा भाई, मंडी हम पहुँच चुके हैं और माहौल आप देख रहे हैं पीछे सारा किस तरह का है. अभी जानवर इस दफ़ा कम लग रहे हैं या आगे होंगे? आगे आगे यहाँ इस लाइन पर कम है. हाँ इससे तो बेहतर उधर थे मंडी पर, पूजा बाद रोड पर चले जाते बेहतर. तो गए कितनी पैसे हैं? 1.40 ओके सही. देखा दुबे अच्छा भाई, मंडी हम पहुंच गए हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा रश है. इधर अबे इसको क्या हो गया? और क्या हो गया? ये तो भाई फुल जोबर में मूड में. हाँ अच्छा, इस दफ़ा जो इन्होंने मंडी बनाई है ना, ये फातिमा जिना टाउन में बड़ी तरीके की बनाई हुई है. प्रॉपर इनकी पार्किंग अलग है और जो और सारे मतलब बकरे और उनके एक टेंट वगैरह लगे हुए हैं चारों तरफ, एक जगह खड़ा हुई है. यहाँ से शुरू हो रही है पूरे यहाँ पर सर्कल में है बड़ी ये सारी, और सारे यहाँ पर बकरे हैं, दुम्बे हैं, गट्टे हैं, सब है. अपना दिखा, अपना तू नहीं, अपना दिखा. ये दुम्बे हैं ही रहा यार, इन दोनों कोई नहीं बकरे दिखा. हाँ बनता ही साहब. 73 दारा मांग रहे एक का. हाँ जी एक का जोड़ी ਕੀ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਬਣ ਜੋੜੀ ਜੜ ਸਾ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਜਵੜ ਗਿਣਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਵੜ ਗਿਣਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਮੋਟੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ ਨਾ ਦੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋ ਜੀ ਆ ਦੁੰਦੇ ਲੈਣਾ ਮਤੇ ਸੀ ਦੂ ਘਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ये एक चीज़ की समझ नहीं आती. जी जी काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि ना लोग अब बुला रहे होते हैं तो आप वो बकरा देखते ही नहीं है, तो उसकी क्या वजह होती है? पसंद नहीं होती ना, रेंज नहीं होती. कुछ बकरे मोटे होते हैं उनको हल्की रेंज में चाहिए थे, किसी को ज़्यादा रेंज वाले चाहिए. फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है. खूबसूरती भी देखनी होती है, इसलिए उनका मोटापा है, खूबसूरती है, चलना है, कद काट है. उन्हें अपने सबसे बड़ी बात होती है जेब, कि अपनी आपकी जेब में पैसे कितने, आपने क्या चीज़ लेनी है. क्या मांग रहे हैं बेचने? ले लो. कितने का? 25,000 में दे दो. हैं 25,000 में दे दो. लाओ सारे खोल दो. बच्चा बुल्ले कभी खड़े हो माल नहीं बैठे इन्हें सूटे लाई खड़े हो तो कम चिक्की खड़े हो माल नाल व्यापार दे क्यों नहीं से देने इन्दे ले फसी पट्ठा गिरने ए कोई मजदार बकरे है. हां केड़ा है? यक्के बकरे ने. चाचा इन्हें क्या मंगी? हां जी बात करो, ये दोनों की बात करो. दोनों का 1.5 लाख पहले आने में डेढ़ चल सूटे लाई खड़े रेट जने ना कम चिक्की खड़े बकरे चंगे बकरे चंगे ए होला ही वे ए होला ए कोई बेहतर है होला है कितने पैसे हैं? हां भाई चाचा ये तो होला है के मने ने. हां बराबर है चाचा बराबर भाई है. हां जी 130 कह रहे हैं जी, 130 कह रहे हैं. है कोई बताएं जो बात है बताएं. बाबा ये पता क्या है माल ये सारा 80-85 रे बड़ी ईद है, जितनी मर्जी भाई खुशी का कोई गिनवा नहीं करो. चलो कोई जड़ी गाल करो बस ठीक है, अगर मिले तो ठीक है.
80,000 रुपए। फाइनली घर वापस आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे था आज। आज क्योंकि जुमे का दिन था और सब लोग मंडी इस टाइम आए हुए थे, सेलर्स और बायर्स दोनों भरे हुए थे, तो बहुत ही मुश्किल से जाके हमें एक बकरा मिला और वो भी तब मिला जब हम गाड़ी निकाल के वापस जा रहे थे। तो हमने थोड़ा ट्रैफिक फंसी हुई थी तो थोड़ी देर के लिए जैसे ही बाहर निकले और उसी टाइम एक बकरा समझ में आया और उन्होंने भी ज़रा मतलब मामला ज़रा सीधा किया, क्योंकि मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से जो सेलर्स थे वो कह रहे थे कि भाई हमारा मैक्सिमम रेट पे बिके, तो फिर सही समझ में आ रहा था रेट, तो हमने वहीं पार्किंग में ही सौदा किया और फिर उठाया और गाड़ी के अंदर डाल रही है। तो इस वजह से मैं वो वीडियो बना नहीं सका क्योंकि जल्दी जल्दी में काम हुआ है। मंडी जब जाते हैं ना तो सीन ऐसे ही होता है, ऐसे ही सौदे बनते हैं जल्दी जल्दी में ना, पता भी नहीं लगता मिनटों में। तो जितनी देर में मैंने कैमरा निकाला और सौदा हो चुका था। अच्छा खैर, उसके बाद फिर हम वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए 14 नंबर पे हम रुके हैं और वहीं पर ही एक जगह घट्टा नज़र आया, हम बाहर निकले और उसका भी सौदा हो गया, वो अली ने लेना था। अच्छा जब हम ये सौदा कर रहे थे ना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है मुझे। वैसे पता तो था लेकिन जो जब इंसान अपनी आँखों से देखता है ना जो चीज़, तो फिर उसको एहसास होता है इस चीज़ का। जब हम दुम्बा ले रहे थे ना तो उस टाइम पे जो उसको बेच रहा था, जो उस जिसने उसको बता रहा कि 8 महीने पाला है उसने ना दुम्बा, तो जब वो दे रहा था ना तो उसके दिल पे ऐसे हो रहा था कि मतलब उसने एक 8 महीने की चीज़ पाली और वो अपने हाथ से एक चीज़ दे रहा किसी दूसरे को। मतलब पैसे तो मिलते हैं लेकिन हर चीज़ पैसे नहीं होती, मतलब हर चीज़ आके ना पैसे पे एंड नहीं होती, कुछ मतलब अटैचमेंट्स हो जाती हैं इस तरह की, कुछ मेमोरीज होती हैं जो आपको फिर हमेशा याद रहती है। तो वो उस टाइम पे मैंने उस बंदे को देखा तो मुझे भी थोड़ा सा वो हो रहा था, यार ये क्या इसके हाथ से ना मतलब एक चीज़ जा रही है, लेकिन वो उसके लिए भी खुशी की बात है, उसको भी उस चीज़ का सवाब मिलेगा, जिस जो कुर्बानी कर रहा है उसको भी इस चीज़ का सवाब मिलेगा। तो ये ईद है ही इसीलिए कि कुर्बान होने के लिए, इसका नाम ही ऐसे ही है, कुर्बानी की ईद है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। तो वो चीज़ मुझे आज फील हुई है कि क्या सेक्रीफाइस होता है जब आप 8 महीने एक दुम्बे को किसी भी जानवर को पालो, उसको खिलाओ पिलाओ और एक ईद पे आप उसको कुर्बान कर दो, तो वो कुर्बानी होती है। अच्छा भाई सुबह हो गई है और नेक्स्ट डे, ये है वो बकरा जो कि हम कल लेकर आए थे। अरे हम कैसा बकरा ये है? तंग करता है? नहीं तंग करता, सही है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत घुमाते हैं इसे, अभी तो घर में घूम रहा खुला, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अरे हम डर रहा है इसे, है ना? अरे हम डर क्यों रहे हो? नहीं डर रहा, नहीं डर रहे। वे खेला तूने? क्रिकेट खेल रही है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है ये? ओ, 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 ओ। देखा देखा, मना किया था ना। भगा। अच्छा भाई बहुत घुमा लिए बकरे को, अब घर लेके चलते हैं। यार हम भाई खिदमतें कर रहे हैं बकरे की। यार हम, हाँ जी, आपको पसंद है? एक और भी फिर ले आए, ले आए, चलो चलें फिर। अरे हमको देखते देखते अब्दुल्ला का भी शौक चढ़ गया है। अब्दुल्ला नहीं, कहा को नहीं है, कहा को नहीं है,